ब्रेक के बाद लोक प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जगदीशपुर प्रखंड के ज्ञानपुर गांव पहुंचकर शहीद चंदन यादव के परिजन से मुलाकात किया, साथ ही 50,000 रुपए आर्थिक सहायता भी की। पप्पू यादव ने कहा कि शहीद चंदन यादव की प्रतिमा अगर 3 महीने के अंदर सरकार स्थापित नहीं करती है तो आने वाले दिनों में जन अधिकार पार्टी के द्वारा आंदोलन चलाई जाएगी। भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड के ज्ञानपुर का चंदन यादव शहीद हो गया था। शहीद चंदन यादव के परिजनों से मिलने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पहुँचे। पप्पू यादव ने कहा कि 3 महीने के अंदर शहीद चंदन की प्रतिमा सरकार नहीं बनाती है तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, साथ ही शहीद चंदन के परिजनों को 50,000 रुपए नगद राशि प्रदान की। सम्मान के साथ ये कोई तीनों बेटा आपके लिए फक्र है और देश के लिए और बेटा की तरफ से आपके लिए। आप जीवन में कभी महसूस नहीं किए या तो आप ना समझ हैं या तो समझ कर नहीं समझना चाहिए। आज ये हालात क्यों पैदा हुए? 71 में जब पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग होने की बारी आई थी तो पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी ने अपनी सामरिक ताकत का लोहा मनवा करके बंटवारा कर दिया। आपकी पॉलिसी क्या थी? आप नेपाल कहता है कि मोतिहारी तक मेरा है, बांग्लादेश हमको आंख दिखाता है, चीन तो पहले से ही मुझे मेरी औकात को बता दे रहा है। हमारे सैनिक कमजोर हैं क्या? हमारा देश की जनता कमजोर है क्या? आखिर कारण क्या? फर्स्ट, सेकेंड, आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप पॉलिसी के तहत हमारी जमीन पर 200 कंपनियों का करार चीन के कंपनियों का कंप्लीट रूप से, खिलौना पर 96% उनका आधिपत है, दवाई पर 92% चाइना का आधिपत है, मेडिकल इंस्टॉलमेंट पर 84% चाइना का आधिपत है। कोई ऐसा पेटीएम से लेकर के, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी पर 12,000 करोड़, किसी पर 36,000 करोड़, किसी पर, और आप भारत में 5-6 ऐसे दलाल हैं जो सरकार के साथ है, जो चीनी कंपनियों को कंप्लीट रूप से कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पागल है। 6 साल पहले आरएसएस और बीजेपी का नारा था कि हम अपनी जमीन पर बाजार नहीं बनने देंगे चाइना को, लोकल और वोकल। जब तक आपके पास कच्चे माल का उत्पादन नहीं होगा तब तक भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा? और 80% जितना सामान है उसके कच्चे का उत्पादन चाइना से होता है, तो क्या चाइनीज सामान पर बैन लगेगा? क्या आईपीएल में वीवो क्या एडवर्टाइजमेंट खत्म होगा? अमित शाह जी के बेटे उसके अध्यक्ष, अनुराग ठाकुर के रिश्तेदार,
पदाधिकारी है, क्या ये दुनिया जानना चाहती है कि अमिताभ बच्चन का केबीसी में जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट है क्या उसको रोकेंगे? क्या सभी हीरो के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट है क्या उसको रोकेंगे? यह परिवार, इस पिता को जितना सैल्यूट दिया जाए इस परिवार को उतना कम है। चार चार भाई देश के लिए मरने की तैयारी कर ले एक ही परिवार में, इससे बड़ा गर्व का विषय है। मेरा अंतिम सवाल नरेंद्र मोदी से है, लेकिन कुछ करता नहीं है, ऐसे में चाइना को क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? चाइना हमेशा से कहता है कि भारत सिर्फ की धमकी देता है, कुछ करता नहीं है, अगर वो हमसे लड़ता है तो उसको पाकिस्तान नेपाल से भी लड़ना पड़ेगा, तो आपके हिसाब से क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है जो हम सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कि अगर हम लड़ने की अगर अपेक्षा में अगर वहाँ पे गए होते तो ये आज दुर्दशा नहीं देखने को मिलती। तो उस दिन जो कुछ भी हुआ पहले से तैयारी थी? जी, उनकी तैयारी थी, हमारी तैयारी नहीं थी, हम तो समझौता के लिए गए हुए थे, प्रस्ताव रखे थे, बड़ी से पहले एक दिन पहले समझौता हो चुकी थी, आप अपने में रहिए हम अपने में रहेंगे। तो आपके हिसाब से रिटेलिएट करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं गया है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए देश की सरकार? देखिए, देश का सरकार अपने सर्वाइव कर रही है, जो करना चाहिए वो कर रही है, और वहाँ पे जवान जो हमारे हैं वहाँ तैनात है, और वहाँ के हालात अभी भी इधर वहाँ पे इधर देखिए बोलिए हाँ बिगड़ी हुई है, समझ गए, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ की न्यूज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो जो करना है वो हम कर रहे हैं। मैंने आप संतुष्ट हैं भारत की कार्रवाई से? जी जी। और क्या मांग करते हैं भारत सरकार से? आप भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि जो शहीद हुए हैं जितने हमारे वीर सैनिक, उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए।